अस्सलामुअलैकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड मोटरवेज एंड हाईवे सीरीज़ में हमारा सफ़र पहुंच चुका है इस्लामाबाद। आज हम ट्रैवल करेंगे इस्लामाबाद से पिशावर यानी M1 पर। इस मोटरवे का इफ्तिताह अक्टूबर 2007 में यानी कि आज से तकरीबन 13 साल पहले किया गया और इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर है, जिसमें 67 किलोमीटर पंजाब में और 88 किलोमीटर ये KPK में वाक़ है। और आज हम चल के देखेंगे कि इस सड़क की 13 साल बाद क्या कंडीशन है, कौन कौन सी यहाँ पे इंटरचेंजेज हैं और किन किन शहरों का इससे फ़ायदा हो रहा है। तो आप मेरे साथ रहिए। इस्लामाबाद टूल प्लाजा से निकलने के बाद कुल 12 इंटरचेंजेस हैं, जो कि बिलतरतीब फ़तेह जंग, संजानी पसवाल, ब्रह्मा बातस, बुरहान, हज़ारा, गाजी, छछ, सवाबी, कर्नल शेर खां, वली, रशकई और चारसद्दा हैं। इस मोटरवे की कुल लंबाई तकरीबन 160 किलोमीटर है और इस पर सफ़र करने के 210 रुपये टोल टैक्स बनता है। मोटरवे की सबसे पहली इंटरचेंज फतेह जंग तरनोल इंटरचेंज है। यहाँ से आप कोहाट भी जा सकते हैं। पसवाल और ब्रह्मा जंग इंटरचेंज के बाद बुरहान इंटरचेंज आती है। बुरहान इंटरचेंज के दाएं हाथ हसन अब्दाल है। पाकिस्तान में कराक्रम हाईवे की शुरुआत हसन अब्दाल से होती है, जबकि इस इंटरचेंज के उल्टे हाथ बुरहान शहर वाकया है। बुरहान इंटरचेंज से तकरीबन 3 किलोमीटर बाद हज़ारा एक्सप्रेस इंटरचेंज आती है। ये हाल ही में मुकम्मल की गई है। इस सड़क के बनने के बाद कराक्रम हाईवे पर तमाम बड़े शहर बाईपास हो जाते हैं। हज़ारा एक्सप्रेस के बाद अगली इंटरचेंज गाजी आती है और आप गाजी ब्रोथा किनाल के ऊपर से गुजरते हैं। गाजी ब्रोथा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए तकरीबन 1450 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है और ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जिस पर 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्चा आया। इस मनसूबे को बनाने में वापडा, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और जापानी बैंक से माली मुआवनत हासिल की गई।
सफ़र हमारा जारी है और हमने जो पंजाब क्रॉस कर लिया है 67 किलोमीटर M1 के जो पंजाब के अंदर हैं वो हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। कुछ इंटरचेंजेस भी गुजरी हैं, गाजी प्रोथा की नहर गुजरी है, द्रै सिंह गुजरा है, और जैसे द्रै सिंह गुजरता है सामने आपको ये बोर्ड नज़र आ जाता है कि आप अब KPK की बाउंड्री में एंटर हो गए हैं। सवात चकदरा एक्सप्रेसवे हाल ही में मुकम्मल की गई है। इस मोटरवे के बनने के बाद चकदरा, मिंगोरा और कलाम जाने वाली ट्रैफिक के लिए बहुत आसानी पैदा हो गई है। M1 मोटरवे पे सफर मेरा जारी है और पहला क्यामत आम आया है, सर्विस एरिया आया है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, मस्जिद है, टॉयलेट है, जो भी सर्विसेज होती हैं, बल्कि एडिशनल एक चीज़ देखी है मैंने, लेकिन मेडिकल रिलीफ सेंटर जो है वो मैंने यहाँ पे देखा है अवेलेबल है यहाँ पे सहूलत, इन केस खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पे फर्स्ट एड की जो है वो दी गई है सहूलत। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, M1 मोटरवे जो है वो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंट मोटरवे है। हमारा जो 80-90% नॉर्थ है ना, अदर देन कश्मीर, वो सारा इसी रोड से आप उसको ट्रैवल करते हैं। जैसे कि पहले बुरहान इंटरचेंज आई थी तो नारान जाने के लिए वो रास्ता इस्तेमाल होता है, वहीं से आप चला से गिलगित भी जा सकते हैं। इसी तरह आगे सवाद चकदरा आया, आगे रशकई इंटरचेंज आएगी, वहाँ से आप कलाम और सवाद के लिए निकल सकते हैं। इसी तरह चित्राल का रास्ता भी अपर तेमरगढ़ और जो है अपर दीर कुमराट वैली का रास्ता भी इधर से निकलता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस मोटरवे पर जब भी सफ़र करना होता है, आपने जब भी नॉर्थ जाना होता है, तो इस मोटरवे से आप लाजमी गुजरते हैं। रशकई इंटरचेंज बहुत अहम और बड़ी इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज से सीधे हाथ मुड़ने पर आप मर्दान शहर और उल्टे हाथ मुड़ने पर नौशहरा जा सकते हैं। पेशावर शहर में एंटर होने से पहले आखिरी इंटरचेंज चार सद्दा की आती है। M1 इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे का सफ़र मेरा पिशावर आकर ख़त्म हो गया। एक रास्ते में सर्विस एरिया आया, दो दरिया आए बड़े, दरियाए काबुल और दरियाए सिंध। इसके अलावा लिंक ब्रोथा कैनाल भी आई, बड़ी ज़बरदस्त देखने वाली माशाल्लाह कैनाल थी, बड़ी प्यारी थी। और 3-lane मोटरवे है, सफ़र आपने देखा। और मज़ीद जो है मेरा इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाईवेज़ और मोटरवेज़ का ये सफ़र जारी है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आपकी कोई सजेशन हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। कुछ दोस्त हैं जो मुझे कह रहे थे आप हकला DI खान मोटरवे का भी मुझे बताएं, तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो मैं उसके ऊपर भी अपना एक वीलॉग बनाऊंगा। मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस्लामाबाद से पिशावर मोटरवे का सफ़र तो आपने कर लिया। अगर आप मुल्तान से लाहौर मोटरवे की मालूमात हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इस सड़क के बारे में, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप शौक़ रखते हैं आबशारों का, तो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन आबशारें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरा यह सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।